हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम सिविक्स की बुक से, जो पोल साइंस की बुक है आपकी, उसका फोर्थ चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉ, कानून को की समझ। इसका हिंदी में बनेगा कानून की समझ। देखो बेटा, कानून से तो आप वाकिफ ही होंगे कि कानून, व्हाट डू यू मीन बाय लॉज, लॉज क्या होते हैं। लॉज का मतलब होता है उस धरती के रूल जो सिर्फ उसी धरती के लोगों पर लागू होते हैं, बाहर के लोगों पर, दूसरे देश के लोगों पर वो लागू नहीं होते। अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो इंडिया पर रहने वाले जो लोग हैं उन पर लागू होता है। दूसरी बात ये है कि कानून बनते कैसे हैं। पहले तो यही लगा लें कि कानून में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहली बात, कानून के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ा सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन आपका संविधान, पढ़ा दिया ना मैंने संविधान क्या होता है। तो सबसे बड़ा सोर्स लॉज कानून का होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। उसके बाद कानून में आता है आपका रूल्स, जो सरकार समय समय पर बनाती है रूल्स। दूसरी आती है रेगुलेशंस, अधिनियम जिसे बोलते हैं, संसद के द्वारा बनाए जाते हैं रूल रेगुलेशन, और डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। एक और चीज आती है जो संसद बनाती है, एक्ट्स। अंग्रेजों के टाइम के एक्ट हमारे देश में आज भी चले हुए। पहले कॉन्स्टिट्यूशन जब नहीं था भारत में, तो अंग्रेजी सरकार एक्ट्स के माध्यम से कानून, जो देश का शासन चलाती थी। अब कॉन्स्टिट्यूशंस, रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट, इनके माध्यम से हमारे देश का शासन चलता है। रूल्स करती है सरकार इनके द्वारा। मान लो आपने सड़क पे दाईं ओर चलना है, ठीक है, या बाईं ओर चलना है, ड्राइविंग जो है वो किस तरह करनी है, तो ये ट्रैफिक रूल्स हैं, हैं? ये ट्रैफिक रूल्स हैं। मान लो आपने झंडे का सम्मान करना है, आपके नेशनल फ्लैग का, तो ये झंडे पर बने हुए एक्ट के कारण है, कानून के कारण है। अगर आपकी सरकार धारा 144 लगाती है कि तीन व्यक्ति कहीं इकट्ठे नहीं होंगे, तो ये एक्ट, जो रूल रेगुलेशंस हैं उनकी बात है। आईपीसी की धाराएं होती हैं जैसे ये। तो बहुत सारी चीज़ें जिनके माध्यम से सरकार शासन चलाती है देश का, समाज में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखती है, अपराधियों को सजा देती है, इनोसेंट को बचाती है, या देश के विकास के लिए काम करती है, प्रॉपर्टी खरीदती या बेचती है, वोट डालने की उम्र तय करती है, या जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके लिए रूल बनाती है, या आसपास, जैसे अभी नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो भारत की संसद में पास होगी, सरकार के द्वारा रूल बनेंगे, तो आपकी नए जो है चीज़ें कानून बनेगी। ये सारी चीज़ें लॉ के अंडर आती है बेटा। जैसे आपका भी एक छोटा सा स्कूल है, उसके भी कानून होते हैं। स्कूल की क्लासेस कब लगेंगी, स्कूल ओपन कब होगा, ड्रेसेस कैसे होंगी, फर्स्ट पीरियड कब लगेगा, सेकंड पीरियड कब लगेगा। अगर ये रूल्स ना हो तो क्या आप टाइम पे स्कूल पहुंच जाएंगे, जो रेगुलर क्लासेस होती हैं वो अटेंड कर पाओगे? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसी तरह अगर हमारे देश में भी कानून ना हो तो शासन व्यवस्था चलानी बहुत मुश्किल होती है। इसलिए जो ये आप जैसे छोटे बच्चों को हम कानून के बारे में पढ़ाते हैं, वो इसलिए है कि आने वाले समय में आप देश के कानूनों का सम्मान करें और उन कानूनों के अनुसार ही अपने लाइफ को सेट करने की कोशिश करें। जैसे शादी की उम्र 18 साल है, उससे पहले अगर शादी होती है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ इट कैन बी पनिशिएबल, ये सजा की हकदार है। अगर लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल से पहले ही शादी हो जाती है तो, ठीक है ना। तो इस तरह से हर देश के अपने अपने रूल होते हैं। जो देश अपने अपने समाज के इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट के अनुसार,
सिचुएशन के अनुसार, मतलब उस देश की सिचुएशन कैसी है, कस्टम रीति रिवाजों के अनुसार, ठीक है, और उसके अनुसार कानून बनाती है। मान लो अमेरिका में कोई कानून बनाया गया, मान लो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया गया, RTI। अमेरिका का इन्वायरमेंट, अमेरिका का समाज, अमेरिका का जो सामाजिक सिस्टम है वो बिल्कुल भारत से अलग है, वो कानून भारत में लागू नहीं होगा। जैसे कई बार क्या होती है, भारत की सरकार विदेशों से एजुकेशन पॉलिसी लाकर उसे भारत के स्कूलों में थोपनी चाहती है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि जिस देश से ये कानून आया है उस देश की सिचुएशन, उस देश का इन्वायरमेंट, उस देश के रीति रिवाज भारत से बिल्कुल अलग है। एक चीज जो दूसरे देश में पॉसिबल है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे देश में भी सही साबित हो। कई बार जैसे जो कानून ब्रिटेन सरकार हमारे लिए बना के लाती थी, वो ब्रिटेन में सही हो सकते थे लेकिन भारत में आते आते वो गलत हो जाते थे। जैसे कैसे, मान लो इसमें इंग्लैंड में एक्ट बनता था कि कोई भी किसी भी संबंध, जैसे सभी समान हैं ये कर ले, लेकिन उस टाइम जब ये समानता का अधिकार भारत इंग्लैंड सरकार कह रही थी, उस टाइम भारत का जो समाज है वो जाति धर्मों में बटा हुआ था, जेंडर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्ट लाइक इंग्लैंड विच इज़ ए यूनिडाइवर्स कंट्री, बट जो इंडिया है वो एक डाइवर्स कंट्री है, भिन्न भिन्न जाति समूहों का देश है, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं, यू मे बी फिमिलर विथ सम लॉज सच एज दोज आर स्पेसिफाई द एज ऑफ मैरिज, आप कुछ कानूनों के बारे में जानते होंगे, द एज ऑफ मैरिज जैसे विवाह की आयु, द एज एट विच एक पर्सन कैन वोट, बताओ मेरे को कि वोट किस आयु में दे सकता है, 18 साल का होने के बाद, एंड प्रहैप्स इवन द लॉ डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग द प्रॉपर्टी, ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिसके द्वारा हम प्रॉपर्टी खरीद बेच सकते हैं। हम गांव में जमीन खरीदते हैं तो हम तहसील में जाके रजिस्ट्री वगैरह करवाते हैं। वी नो नाउ द पार्लियामेंट इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉ, और आप पिछले चैप्टर में ये भी पढ़ चुके हो कि हमारे देश में कानून बनाने का काम किसका है। अब संविधान तो हमारा बन गया था 1950 में, लेकिन क्या 70 सालों के बाद हमें किसी कानून की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें तो डेली किसी नए कानून की ज़रूरत पड़ती है। तो 1950 के बाद संविधान सभा ख़त्म हुई तो ये काम किसके पास आ गया कि नए कानून कौन बना सकता है। हमारे देश में नए कानून संसद बना सकती है, पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। डू दीज लॉ अप्लाई टू एवरीवन, क्या ये कानून सब पर अप्लाई होते हैं? यस, मोस्टली कानून सब पर अप्लाई होते हैं लेकिन हमारा देश, जैसे मैंने बताया, डाइवर्स है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब तरह के धर्मों के, यहूदी, पारसी, सिख सब रहते हैं। जो नियम या तलाक, मैरिज और तलाक के लिए, जो नियम तलाक और मैरिज के लिए हिंदू सोसाइटी के हैं वो मुस्लिम पे काम नहीं आते, क्योंकि मुस्लिम में अभी भी 4 शादियों की अलाउड है हमारे देश में, जबकि हिंदू में नहीं है। तो मैंने कहा ना, मोस्टली पर लागू होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे समूह हैं जिन पर वो कानून लागू नहीं होते, ठीक है। जैसे यहूदी हैं, ज्यूज जिन्हें बोलते हैं, यहूदी नहीं, पारसी समुदाय, पारसी समुदाय की अगर महिला तलाक लेना चाहती है अपने किसी भी अपने पति से, तो यहूदी पारसी समुदाय के अनुसार वो गांव जो उनकी पारसी समुदाय की एक पंचायत टाइप होती है वो अगर सहमति देती है तो ही वहाँ तलाक होते हैं। लेकिन जो हिंदू समुदाय है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें तो आप कोर्ट में तलाक की अर्जी दो और तलाक हो जाएगा। तो इस तरह से अभी मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के मामले के लिए लड़ रही थी कि उनके पति जो हैं वो खड़े खड़े ये कह देते हैं तलाक तलाक तलाक, तो हो गया तलाक।
हिंदुओं में ऐसा नहीं होता। अब वहाँ भी ये ख़त्म कर दी है चीज़ें। तो मोस्टली जो कानून है वो सब पर लागू होते हैं, बट बहुत सारे कानून भारत में अभी भी हैं जो सब पर लागू नहीं होते। इसलिए भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात चल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये याद रखना, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है ऐसे कानून जिस पर सभी समूह, सभी धर्मों के लोग सहमत हो जाएं। ऐसे कानून बन जाए, जैसे मैरिज और तलाक के कानून ऐसे बना दिए जाएं जिस पर सारी समुदाय, जो कोई भी वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो सब पर लागू हो सके। हाउ डू न्यू लॉज कम इनटू बीइंग, नए कानून आते कैसे हैं? भाई नए कानून की डिमांड रखती है जनता। जनता कहेगी सरकार को कि ये कानून बना दो। सरकार समझती है कि जनता को ये कानून चाहिए, तब ये नए कानून बनते हैं। जब जनता की डिमांड जायज मान ली जाती है, कुड देयर बी लॉ दैट नॉट अनपॉपुलर और कॉन्ट्रोवर्शियल? क्या ऐसे कानून हो सकते हैं जो जिन पर जनता ने विरोध किया हो? बिल्कुल ऐसे कानून हो सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी ऐसे कानून बन ही जाते हैं जिन पर एक समुदाय के जो लोग हैं वो सहमत नहीं होते। दूसरी समुदाय के लोग सहमत हो जाते हैं, लेकिन जैसे तीन तलाक का मामला था, कुछ मुस्लिम जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम थे, वैसे तो ये तीन तलाक का मामले बहुत ही कम हैं, लेकिन अगर कानून में थे तो उसे ख़त्म करना था। बहुत सारी औरतें इसके सपोर्ट में भी आई थी कि तीन तलाक बिल्कुल सही है और हमें नहीं चाहिए आपका कानून, लेकिन बहुत सारी जो मुस्लिम महिलाएं इससे सफ़र कर रही थी उनके विरुद्ध में कानून बन गया। What should we as citizen do under such circumstances? और अगर कानून सही नहीं है, मतलब सरकार कानून सही नहीं बना रही है, फिर क्या करना चाहिए? क्या गवर्नमेंट का विरोध करना चाहिए? भाई एक चुनी हुई पार्लियामेंट बैठी है, आपने उसे अधिकार दिया है कानून बनाने का और उसने कानून भी बना दिया, बट वो कानून का लोग विरोध कर रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? हैं, क्या वो कानून ख़त्म हो जाना चाहिए? ऐसे तो कोई भी समूह सभी कानूनों से थोड़े नहीं सेटिस्फाइड होंगे। कोई ना कोई तो ऐसा ही भी होगा जो उन रूल्स से प्रभावित होगा गलत तरीके से, ठीक है ना। तो मोस्टली अब रूल्स कैसे होने चाहिए मैं ये बता दूं आपको। रूल्स मोस्टली सोसाइटी के अनुसार होने चाहिए, मतलब उससे सामाजिक जीवन आपका छेड़खानी नहीं होनी चाहिए सामाजिक जीवन पर। और दूसरी बात यह है, वो बुराई को ख़त्म करने वाला होना चाहिए और ज़्यादा मोस्टली लोगों के हित में होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। एक दो की बात अलग बात है, मोस्टली के हित में। जैसे तीन तलाक का मामला था, ये मोस्टली क्या, सभी जो मुस्लिम महिलाएं थी उनके सही था उसके जीवन के लिए। अब कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि उसको तीन तलाक कह के रात को घर से बाहर निकाल दे। तो इस तरह से सोसाइटी का जो सपोर्ट है उसके साथ होना चाहिए। ओके, डू लॉ अप्लाई टू ऑल, क्या कानून सब पर लागू होते हैं? मोस्टली कानून सब पर लागू होते हैं, बट ऐसे बहुत सारी हमारे देश में कानून है जिस पर बहुत सारे कानून लागू नहीं होते। जैसे ए गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प हिज सन गो टू द हाइडिंग बिकॉज हिज सन हैज बीन गिवन 10 ईयर जेल सेंटेंस बाई ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर ए क्राइम दैट ही हैज कमिट। कल्पना करो, एक इमेजिन है आपको, एक घटना दी गई है कि एक पुलिस ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, सरकारी कर्मचारी है, वो अपने बेटे को छिपा रहा है क्योंकि उसके बेटे ने कोई क्राइम किया है और उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा दी है, क्यों, क्या उसे बचाना चाहिए? डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्शन वर राइट्स, क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल का ये एक्शन सही है? Should his son be exempted from the law just because his father is economically and politically power? क्या उस लड़के को सिर्फ इसलिए सजा से मुक्त कर देना चाहिए कि उसके जो पिता हैं वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल रूप से पावरफुल हैं? फिर तो फिर कानून किसके रहा? गरीबों के लिए रहा। पनिशमेंट मिलेगी, गरीबों को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। द अबव इज ए क्लियर केस ऑफ द वायलेशन ऑफ लॉ, जो ये केस है ये कानून का उल्लंघन है सरासरी। कानून के समान सब इक्वल हैं। मैंने आपको राइट्स पढ़ाए थे, 6 राइट्स फंडामेंटल, जिसमें एक 14 आर्टिकल है, फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स है 14 आर्टिकल में। उसमें क्या है, इक्वल
बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी समान है। कानून के समक्ष सभी समान है, इसका मतलब कानून किसी के साथ धर्म, जाति, जेंडर, पोजीशन के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जो सजा एक गरीब आदमी को मिलनी चाहिए किसी भी क्राइम को करते हुए, वही सजा एक अमीर व्यक्ति को भी मिलेगी। एज यू रीड इन यूनिट फर्स्ट, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर एग्रीड दैट शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट यूनियन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आप पढ़ चुके हो कि हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो लोग, वो चाहते थे कि हमारे देश में पावर का गलत यूज ना हो, निरंकुश तानाशाही हमारे देश में ना रहे, इस तरह की पावर रहे जो लोगों का हित करती हो। दे आर फॉर इंस्टीट्यूट सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ। देयरफॉर इसलिए इंस्टीट्यूट सेवरल प्रोविजन, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे प्रोविजन रखे गए, जैसे आर्टिकल 14, 15, 16, सभी फंडामेंटल राइट्स, कि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो बल्कि, और किसी पावर का भी रूल ना हो बल्कि किसका रूल हो, कानूनों का शासन हो, कानून का शासन हो। कानून के अनुसार अगर सही है तो सही है, कानून के नज़र में गलत है तो गलत है। The most important of these was that all person in independent India are equal before law. ये मैंने बताया था अभी, Article 14, first fundamental rights, उसमें क्या कहा गया है कि भारत में हर आदमी कानून के समक्ष समान है, ठीक है। The law cannot discriminate between person on the basis of their, भारत में बहुत सारी धर्म, रिलीजन, कास्ट, जेंडर के लोग रहते हैं। आर्टिकल 15 हमारे देश का संविधान का आर्टिकल, अनुच्छेद 15 है, उसमें लिखा गया है कि भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, रंग का हो, जेंडर हो, मेल हो, फीमेल हो, औरत हो, पुरुष हो, उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करे। What the rule of law means is that all law apply equal to all citizen of the country and no one can be above the all. इस रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है? रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि हर व्यक्ति कानून का, चाहे देश में वो अमीर है, गरीब है, किसी भी धर्म जाति का, वो सब इक्वल है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून से ऊपर का मतलब ये नहीं कि किसी के लिए भी कानून तोड़ा मरोड़ा जाएगा, कानून सबके लिए समान है और कानून के समक्ष सब समान है। वोट का अधिकार है मान लो 18 साल, आप एक चौकीदार के बेटे हो, गरीब चौकीदार का बेटे हो, 18 साल आपकी उम्र हो चुकी है, लेकिन एक पॉलिटिशियन के लड़के की उम्र है 17 साल और उसके पिता को अगले इलेक्शन में कहाँ बैठ उठना है, इलेक्शन में उठना है, लेकिन वो चाहता है कि अपने बेटे का वोट बना ले ताकि एक वोट तो मेरी फैमिली का भी बढ़ जाए। क्या ये पॉसिबल है? नॉट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि देश से, कानून से ऊपर पॉलिटिशियन का बेटा नहीं है, उसका कानून का के अनुसार वो वोट कब डाल सकता है, जब उसकी उम्र 18 साल हो चुकी हो, 17 साल की उम्र नहीं में वो वोट नहीं डाल सकता, ठीक है। बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।